हे गाइस, ऑल टेक अपडेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि X7 और X7 Pro जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी फर्स्ट सेल जो है आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगी 10 तारीख और 12 तारीख को। अगर आप X7 Pro परचेस करना चाहते हैं तो आपको जो है ये फ़ोन जो है फर्स्ट सेल में 10 तारीख को देखने को मिलेगा, 10 फरवरी को। और अगर आप X7 परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको जो है 12 तारीख को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये जो X7 है या फिर X7 Pro जो है इसकी फर्स्ट सेल क्या फ्लैश सेल रहने वाली है कि ओपन सेल रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 10 तारीख की जो X7 Pro की जो सेल है वो आपको ओपन सेल देखने को मिलेगी, ठीक है। आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। मार्केट का मतलब ये कि आप जो है रियलमी के ऑथराइज काउंटर पर जा करके, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो है रियलमी X7 Pro जो है खरीद सकते हो 10 तारीख को, क्योंकि उनके पास भी अवेलेबल हो जाएगा। प्लस जो है आप जो है फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो। गाइस, फ्लिपकार्ट पे स्मार्ट पैक का जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 70% देना है और उसके बाद आप उस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज, उसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 70% में ख़रीद रहे हो तो आखिर आपको क्या क्या ऑफर उसमें देखने को मिलेंगे, क्या बेनिफिट आपको उसमें मिल सकता है, क्या 30% सच में ऑफ होता है या नहीं होता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे इससे रिलेटिव अगर कमेंट ज़्यादा आए तो मैं इसके लिए आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि क्या X7 Pro जो है ओपन सेल में आएगा, तो फ्लिपकार्ट से परचेस करना ज़्यादा सही है कि ऑफलाइन मार्केट मतलब कि रियलमी के ऑथराइज काउंटर से परचेस करना ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आप जो है रियलमी के ऑथराइज काउंटर से परचेस करिए, मतलब ये कि ऑफलाइन परचेस करिए, ठीक है। जब आप रियलमी सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे वहाँ पर आप जाकर के रियलमी X7 Pro का एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि उनके हाथ में X7 Pro रहेगा, वहाँ पर आप फील करेंगे उस फ़ोन को। 29,999 रुपये का फ़ोन है, 30,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है। अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदते हैं तो इसके बारे में एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है, इस फ़ोन की पूरी नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है कि इस फ़ोन में क्या ऐसा खास है कि हम 30,000 रुपया इन्वेस्ट करें, क्योंकि 30,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती है, बड़ी रकम होती है। अगर आप 30,000 का कोई फ़ोन परचेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आप जो है रियलमी के ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हो, मतलब कि ऑथराइज काउंटर से खरीद सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिल करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप रियलमी का X7 Pro खरीदो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेस करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे आप 10% का डिस्काउंट लगा सकते हो, मतलब डिस्काउंट पा सकते हो। ICICI बैंक पे आपको डिस्काउंट 10% का देखने को मिल रहा है, मतलब ये कि अगर 30,000 का फ़ोन है तो आपको जो है वो 28,000 कुछ रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदो तो ऑफलाइन मार्केट पे भी जो है आपको 1,000 का डिस्काउंट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो आप 29,000 रुपये तक जो है इस फ़ोन को खरीद सकते हो। तो मैं यही आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऑफलाइन मार्केट से खरीदना, ठीक है। फिलहाल के लिए रियलमी X7 Pro जो है ओपन सेल में आएगा, कोई फ्लैश सेल नहीं होने वाली है। 12 बजे से सेल ओपन हो जाएगी तो वहाँ से जो है आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर रियलमी X7 फ्लैश सेल में आया या ओपन सेल में आया, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दे दूंगा, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना।